अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी ने मैसेज भेजा था कि एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिनका नाम सना खाना है, बहुत वीडियो वायरल हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को बॉलीवुड से कोई टोकर एक दिन की तरफ आ गई और दिन की तफरी करते हैं। पहली बात यह है कि मेरा बहुत बहुत मुबारक हो सना खान को कि उसने सारी ये बुराई का रास्ता, ये गंदगी फहाश का रास्ता छोड़ के एक जो जिस अल्लाह को उन्होंने पैदा किया है वो अपने अल्लाह के साथ दोबारा कनेक्टेड हो गई हैं। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बहुत बहुत बरकत करे और इनसे दीन का काम ले ताकि दूसरे लोग इनसे हिदायत पाए। क्योंकि मुसलमान घर में पैदा होने का मतलब तो ये नहीं होता कि इंसान मुसलमान ही हो, क्योंकि मुसलमान तो मतलब ये होता है कि जिसने कलमा पढ़ा है उसकी ज़िंदगी का जो डेली की 24 आवर की लाइफ स्टाइल होता है वो एक अल्लाह के हिसाब से हो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। लेकिन चूँकि ज़िंदगी इनकी सारी वो कैटेगरी में गुजरी है तो उसी में रेज होते हैं, फिर इंडस्ट्री में चले गई हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान कितना भी चाहे गुनाह करे अल्लाह बेशक हर गुनाह की बख्शिश करने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा फ़ैसला होता है कि अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना। और ये सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से आती है, ना कि इंसान को खुद आती है। वो भी अल्लाह ताला उसको हिदायत देते हैं जो इस हिदायत पाने के काबिल हो और उसमें ऐसी ऐसी क्वालिटी हो जो जो अल्लाह को पसंद है, जो कि इंसान ही एक टोटली ही एक टोटल आउट है उसके लिए हिदायत पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी बहुत बहुत मुबारक हो सना खान के लिए कि उन्होंने एक बुराई का रास्ता छोड़ा है। और हम सब मिलके जितने भी मुसलमान नामों के लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज में हैं, फाश में हैं, मीडिया में हैं, एक्सपोजर में हैं, तो हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको हिदायत दे। और जैसे सना खान हैं या ऐसी बहुत सी एक्ट्रेसेस एक्ट्रेस वगैरह हैं और हॉलीवुड में भी ऐसे बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस वगैरह हैं जिनकी वजह से जो मुसलमान हुए हैं और उनको देख के लोग इम्प्रेस हुए हैं, इंस्पायर्ड हुए हैं और उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया कि कलमा क्यों पढ़ते हैं। तो बेसिकली कलमा पढ़ने का मतलब होता है कि आप अपने अल्लाह से दोबारा कनेक्टेड हो रहे हैं जिसने पैदा किया और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो टेम्पररी है। जैसे अल्लाह ताला सूरह आयत नंबर 2 में फरमाते हैं अल्लाह दी खलकल मौत वाल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जैसे अल्लाह ताला ने एक आजमाई बनाई है कि तुम्हें इसमें जो अच्छे अमल करेगा वो फला पाएगा। जैसे सूरह अल असर में अल्लाह फरमाते हैं फल असर इन्नल इंसान अल्लाह फ़सर इल्लज़ीन आमनू आमिल सालिहाती व तवासु बिल हक़ व तवासु बिसबर। तो इसमें जो फरमाया कि कौन लोग फला पाने वाले हैं व तवासु बिल हक़ व तवासु बिसबर, तो इसमें हक वाले कौन लोग हैं जो एक अल्लाह को कबूल करते हैं और जो एक अल्लाह पर अपनी जान निसार करते हैं, अल्लाह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और सब्र के साथ तकवे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं ताकि ज़िंदगी में कितने भी ट्रायल्स आते हैं उसको अडाप्ट करें, उसमें अपना सब्र करें और क़यामत वाले दिन हम पास हो जाएं। तो सना खान के लिए बहुत मुबारकबाद है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, बहुत हिदायत दे और दीन में बहुत आगे बढ़ें। और उन लोगों के लिए भी जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, जैसे काफ़ी लंबी लिस्ट है, जैसे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तो उनको भी हिदायत दे दे। जैसे ऐसे लोगों ने कलमा पढ़ के या ऐसे लोग इंडस्ट्री कोट करके मुसलमान हुए हैं या वापस रिटर्न बैक टू द रिलीजन हुए हैं, अल्लाह ताला इनसे बहुत दिन का काम ले। और दुआ करते हैं कि दूसरे फिल्म इंडस्ट्री वाले भी इनसे हिदायत पाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।